तो चलिए हम लोग वेक्टर में आगे बढ़ते हैं। वेक्टर में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन सब को कर लिया है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने किए थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ें तो नेक्स्ट जो वेक्टर में काम है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो पहले इसको समझ लें कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोग कहते किसको हैं। रिजोल्यूशन का मतलब ब्रेक करना। जैसे हम लोग स्केलर को पार्ट्स में बांटते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक स्केलर है, कोई मास है, उसकी वैल्यू 10 kg है। तो उस मास को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, 4 kg, 6 kg, 5 kg, 5 kg, 2 kg, 8 kg। इसी मास को हम लोग दो से ज़्यादा पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, 3 पार्ट में बांट सकते हैं, 10 पार्ट में बांट सकते हैं। यानी एक स्केलर को हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। इसी तरह से जब हम एक वेक्टर को पार्ट में बांटते हैं तो ये प्रक्रिया जो है ये रिजोल्यूशन कहलाती है। तो वेक्टर का बांटना और स्केलर का बांटना दोनों में थोड़ा फ़र्क है। और फ़र्क इसलिए है क्योंकि आप जब एक स्केलर को डिवाइड कर रहे हैं तो उस स्केलर के पास सिर्फ एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 10। आप इस 10 को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं तो वेक्टर के पास वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद है। इस कारण से वेक्टर का डिवीज़न उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से हम लोग स्केलर को डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर का डिवीज़न जो भी होगा वो एक खास डायरेक्शन में ही होगा। यानी किसी वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करेंगे या ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में तो वो एक खास डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। स्केलर के साथ ऐसी बात नहीं है। स्केलर में सिर्फ हमें ये बता देना होता है कि जो पार्ट होगा उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होगी। लेकिन वेक्टर में हमें ये बताना होगा कि एक वेक्टर को हम किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये लिखें, टू ब्रेक ए वेक्टर into its components is called resolution of vector। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर। तो हमने जस्ट अभी आपसे कहा कि किसी भी वेक्टर को आप किसी खास डायरेक्शन में ही रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। सपोज आपको ये बताया गया है कि भाई इस वेक्टर को हमें इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कहिए कि इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कितना पार्ट होगा। यानी इस डायरेक्शन में अगर इस वेक्टर को डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसका रूल ये है कि अगर ये डायरेक्शन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा हो तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो एक कॉस थीटा होगा। यानी उसकी वैल्यू जो होगी वो एक कॉस थीटा होगी। ध्यान रखिएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड, सो इट इज स्केलर। यानी कंपोनेंट जो होता है किसी भी वेक्टर का वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे सपोज करिए कि एक दूसरा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है, यानी इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो एक कॉस अल्फा होगा। यानी सिंपल रूल क्या हो गया वेक्टर को रिजॉल्व करने का, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, से ए वेक्टर, मान लीजिए उस ए वेक्टर हमने एक नाम दे दिया ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन ए डायरेक्शन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वेक्टर
इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। ये ए कॉस थीटा है क्या चीज़? आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कंपोनेंट आखिर हमने ए कॉस थीटा क्यों कह दिया। ये जो कंपोनेंट है वेक्टर का, वो बेसिकली एक वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है उस डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये ए वेक्टर है और सपोज़ ये लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एक लाइट इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, तो इस लाइन का इस डायरेक्शन में यानी इस लाइन पर प्रोजेक्शन क्या बनेगा? ये शेडो। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका शेडो ये बनेगा। दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स दिस, मान लीजिए इसको हम एक्स कह दें यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ तो हमारा ए ही है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस एरो का लेंथ होता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं एक्स बाई ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स इक्वल्स ए कॉस थीटा, यानी दिस ए कॉस थीटा इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब इतनी बातें हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी वेक्टर का अगर हमें कंपोनेंट चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, तो हम ए कॉस थीटा फार्मूला से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ए कॉस थीटा विल गिव द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अभी जस्ट हमने आपसे कहा कि जिस तरह से आप एक स्केलर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह से एक वेक्टर को भी आप बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो आप पढ़ेंगे अभी फिजिक्स में आगे, तो दो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तीन पार्ट में हम लोग को डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी तीन पार्ट तक डिवाइड करके हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि वेक्टर को आप जितने भी पार्ट में चाहें डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी वेक्टर को दो या तीन ऐसे डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे फिर यही ए वेक्टर लीजिए, और सपोज़ किसी ने आपको कहा कि इस वेक्टर का हमें कंपोनेंट चाहिए दो डायरेक्शन में, यानी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में हमें चाहिए, एक इस डायरेक्शन में चाहिए। इन दोनों डायरेक्शन में देखिए खास बात क्या है कि ये दोनों डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है। चलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो जब आप ए को ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ जो कंपोनेंट आएगा, सपोज उसको हम नाम दे देते हैं ए एक्स, यानी कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। और इधर जो कंपोनेंट आएगा इसको हम एक नाम दे देते हैं ए वाई, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। इन दोनों कंपोनेंट्स में खास बात आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो जब हम किसी वेक्टर को दो ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हों या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो वैसे कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कही गई हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि वेक्टर को दो या तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सपोज ये तीन डायरेक्शन है हमारे पास, एक्स, ये वाई और ये जेड। ये एक वेक्टर है, सपोज पी वेक्टर।
तो इस वेक्टर का कंपोनेंट अगर हम एक्स डायरेक्शन पे निकालेंगे, तो मान लीजिए उसे हम एक नाम दे देते हैं पी एक्स, क्या होगा वो तो हम लोग जानते हैं, पी कॉस अल्फा, अगर एंगल दिया गया हो तो हम लोग आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा उसको हम लोग पी वाई कहेंगे, और जेड डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे, पी जेड। और देखिए कि ये तीनों जो कंपोनेंट हैं, चूँकि आप जानते हैं कि एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन तीनों के अलोंग जो इनका कंपोनेंट है पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी इस पी वेक्टर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है पी एक्स, दूसरा है पी वाई और तीसरा है पी जेड। और ये तीनों जो कंपोनेंट हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो ये कंपोनेंट्स भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यानी अगर एक वेक्टर को दो या तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जाए, तो रिजॉल्व करने के बाद जो कंपोनेंट हमें मिलेगा वो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएगा। इफ ए वेक्टर इज रिजॉल्व्ड अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस then the components are called rectangular components. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोगों ने जान लिया कि इसको कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें अगर जानना हो, तो सपोज़ करिए ये एंगल हमें थीटा दिया गया है, एक एंगल तो हमें पता होना ही चाहिए। तो दूसरा जो ये एंगल है ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो हमारा रूल है वेक्टर का कंपोनेंट निकालने का वो क्या है, इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, तो ये हमने लिख दिया ए कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये कितना हो गया, ए साइन थीटा। यानी अगर आप एक वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, तो अब आप सिंपल एक रूल ध्यान रखिए कि जिस डायरेक्शन के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है, जिस लाइन के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है, उधर हम लोग कंपोनेंट रखेंगे ए कॉस थीटा और दूसरी तरफ कंपोनेंट ले लेंगे ए साइन थीटा। अब ये ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक तरफ अगर कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, तो दूसरी तरफ कंपोनेंट जो होगा वो ए साइन थीटा होगा। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, सपोज ये वेक्टर है पी वेक्टर, और इसे हमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना है, और ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये दिए गए हैं, और ये एंगल आपको दे दिया गया है अल्फा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चूंकि ये लाइन इस वेक्टर के साथ एंगल बना रही है, तो ये होगा पी कॉस अल्फा, और दूसरी तरफ का जो लाइन है उधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा। ध्यान रखिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो ये वेक्टर है, ये दो डायरेक्शन हमेशा उसके दोनों तरफ होंगे, इसलिए ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए वेक्टर हमेशा दोनों डायरेक्शन के बीच में है, यहाँ पर इन दोनों डायरेक्शन में हमें इसे ब्रेक करना था, वेक्टर यहाँ है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रेक करना है, वेक्टर यहाँ है। ठीक है, तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल हो गया। अगर तीन कंपोनेंट में डिवाइड करना हो, तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो यहाँ ध्यान रखिए कि सपोज ये एक्स के साथ एंगल दिया गया है अल्फा, तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस अल्फा नहीं होता है, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये पी वेक्टर,
ये इस प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप इस तरीके से देखिए, जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होता है हमारा वो ऐसे होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे कि ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है। जो पहले केस में हमारा वेक्टर है वो इस तरीके से है, ये जो आप ए वेक्टर को देख रहे हैं ये इसका सिचुएशन ये है, इसको हम लोग कहते हैं प्लैनर वेक्टर, यानी ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो x के साथ अगर वो थीटा एंगल बना रहा था तो y के साथ वो 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाएगा, और z के साथ कितना एंगल बनाएगा देखिए 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर कंपोनेंट हो गया a cos थीटा, यहाँ कंपोनेंट हो गया a cos 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज a sin थीटा। और इस लाइन पर z एक्सिस पर अगर हम इसका कंपोनेंट देखें तो कितना होगा, ये एंगल 90 है तो a cos 90 दैट इज ज़ीरो, यानी z एक्सिस पर इसका कोई कंपोनेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके दो ही कंपोनेंट को शो करते हैं। एक्चुअल में ये जो तीसरा डायरेक्शन है इसके अलॉन्ग भी कंपोनेंट इसका होगा, लेकिन उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ये वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो cos 90 ज़ीरो, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसके दो ही कंपोनेंट को शो करते हैं। लेकिन अगर हमारा वेक्टर ये देखिए, ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, अब हमारा वेक्टर इस तरीके से है, अ वेक्टर इन स्पेस, ये वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, स्पेस में है, ठीक। तो अब देखिए ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं होगा। अब आप यहाँ से इसको क्लियरली समझ सकते हैं, ये देखिए ये जब प्लेन में था तो ऑब्वियसली ये अगर थीटा है या अल्फा है तो ये 90 डिग्री माइनस दिस, लेकिन जब ये ऐसे है तो ये एंगल है अल्फा, ये कुछ और एंगल होगा बीटा, ये भी देखिए आप 90 डिग्री का एंगल अब नहीं रहा, ये एंगल कुछ और होगा, गामा कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वेक्टर इन ए प्लेन और वेक्टर इन ए स्पेस आप समझ गए होंगे। तो उसके अनुसार अब देखिए कि यहाँ हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल अगर अल्फा है तो वाई के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा, और ये जेड के साथ एंगल कितना हो जाएगा, गामा। तो इस केस में जब हम कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो पी एक्स कितना हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, पी वाई कितना हो जाएगा, पी कॉस बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी कॉस गामा, यानी यहाँ पर हमें कॉस अल्फा और साइन का ये नहीं लाना होगा, यहाँ पर हर डायरेक्शन के साथ अपना ओन एंगल है, इसलिए हर के साथ कॉस की वैल्यू ही यूज़ होगी। यहाँ पर चूंकि ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाता था इसीलिए कॉस की जगह हम लोग साइन का यूज़ करते थे। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम वेक्टर को, अगर वेक्टर इन ए प्लेन है और यानी उस वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन के साथ, जिस लाइन के साथ वेक्टर एंगल बना रहा होगा उधर कॉस थीटा लिखेंगे और दूसरे डायरेक्शन पर साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस में है यानी वेक्टर इन स्पेस, तो उस केस में हमें तीनों एक्सिस के साथ उसके एंगल को देखना होगा और हर डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट लिखना पड़ेगा ए कॉस दैट एंगल, यानी एक्स के साथ अगर एंगल अल्फा है तो ए कॉस अल्फा, वाई के साथ एंगल अगर बीटा है ए कॉस बीटा, और जेड के साथ एंगल अगर गामा है तो ए कॉस गामा। दिस इज द वे वी कैन गेट द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए वैक्टर, ठीक है। चलिए
देखिए ये कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं आपको और उनका कंपोनेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये एक्स और वाई कंपोनेंट आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ये वेक्टर्स प्लेन में हैं। ठीक है, यहाँ वेक्टर इन स्पेस की बात नहीं हो रही है। और इस प्रॉब्लम से हम लोग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट वेक्टर हमारा ये है, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कि x और y एक्सिस को फॉर्म करेंगे वेक्टर के टेल को ओरिजिन मानते हुए। तो वेक्टर का टेल जो है ये ओरिजिन हो गया। अगर आप इसे ओरिजिन मानते हुए x और y एक्सिस फॉर्म करें तो इस तरह से ये एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखिए कि ये वेक्टर किन दो एक्सिस के बीच में है, निगेटिव x, इसे हम लोग निगेटिव x कहते हैं, और पॉजिटिव y। यानी इस वेक्टर का जो दो कंपोनेंट होगा, जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, उसमें से एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, अब तीसरी बात ये देखनी है कि एंगल ये किसके साथ बना रहा है। एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो वाई पर जो इसका कॉम्पोनेंट होगा, जिसे आप ए वाई लिखते हैं, या अभी आप सीधे कॉम्पोनेंट लिखें ए कॉस 37। ए 10 दी गई है, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है। इसको यहाँ हम लोग लिख दें, ये हो गया 8। और यहाँ जो कंपोनेंट होगा ए साइन 37, तो 10 × 3/5, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, ये हो गया 6। तो अब देखिए ये जो हमारा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 था, उसे हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, एक पार्ट निगेटिव एक्स एक्सिस पर है और उसकी वैल्यू है 6, दूसरा पार्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है और उसकी वैल्यू है 8। तो इसको हम लोग इस तरह से सिंबॉलिकली लिखते हैं, ए एक्स, यानी कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स वैल्यू इज 6 और ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन इसके मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है, यानी आप इसको माइनस सिक्स वैल्यू नहीं लेंगे, वैल्यू इज 6। नेगेटिव साइन जो है सिर्फ इस ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है उसको बताने के लिए यूज़ किया गया है। यानी ये कंपोनेंट हमें बता रहा, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये जो हमारा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू 6 है वो एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम ए वाई लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू कितनी है 8, पॉजिटिव वाई पर है, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर का दो कंपोनेंट है, ए एक्स जिसकी वैल्यू है माइनस सिक्स, यानी जो माइनस सिक्स के बराबर है, और ए वाई 8 के बराबर है। ठीक है, यहाँ आइए, ये इसका टेल है, इसको ओरिजिन मानते हुए फिर एक्स और वाई एक्सिस फॉर्म करिए। ये देखिए अब ये वेक्टर किन दो एक्सिस के बीच में है, निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई, यानी इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट निगेटिव एक्स पर होगा, दूसरा कंपोनेंट निगेटिव वाई पर होगा। एंगल वाई के साथ दिया गया है, तो यहाँ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा, बी कॉस 60, दैट इज 4 × 1/2, दैट इज 2, और ये हो जाएगा बी साइन 60, दैट इज 4 × √3/2, 2√3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बी एक्स इज −2√3 एंड बी वाई इज −2। ठीक है, यानी वेक्टर बी हैज़ टू कंपोनेंट्स, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इट्स वैल्यू इज 2√3 एंड इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन ऑफ वैल्यू 2। यहाँ देखिए अगर इसको ओरिजिन मानकर आप एक्स और वाई एक्सिस फॉर्म करेंगे तो ये एक्स हुआ और ये वाई। तो ये x के साथ c कितना एंगल बना रहा है, 0। तो x पर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, c cos 0, दैट इज 5 × 1, दैट इज 5। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, y c sin 0, एक कंपोनेंट cos होता है तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाता है, sin। तो c sin 0 क्या हो गया, 0।
यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्फर करिए कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर है, या पहले आप इसको इसी तरीके से समझिए कि अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर उसके वैल्यू के बराबर होता है, और वाई एक्सिस पर उसका कंपोनेंट ज़ीरो के बराबर है। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ आते हैं, फिर वही काम करें, ओरिजिन को मानते हुए एक्स और वाई एक्सिस हम लोग फॉर्म करें। अब ये देखिए, इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स पर होगा, दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव वाई पर होगा। एंगल इसके साथ दिया गया है तो डी कॉस 45 इधर कॉस होगा, तो 4√2 × 1/√2 दैट इज़ 4। यहाँ डी साइन 45 होगा, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू भी 4 हो गई, डी एक्स हो गया 4 और डी वाई हो गया -4। ठीक है, यहाँ आइए, फिर ओरिजिन इसको मानिए, एक्स और वाई एक्सिस बनाइए। अब देखिए, एक्स के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 90, तो यहाँ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस 90 कितना हो गया, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई साइन 90, एक कॉस तो दूसरा साइन, तो ये कितना हो गया, ई यानी 4। अगेन देखिए, ये वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग था तो इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस पर 4 आया और एक्स एक्सिस पर 0। ये वेक्टर एक्स एक्सिस पर था तो इसका एक्स के अलोंग कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आया और वाई पर इसका कंपोनेंट 0। तो पहली चीज़ तो आप ये इन्फर कर सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज ऑलवेज 0। यानी किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर हैज नो कंपोनेंट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। दूसरी बात क्या हमें मिली, द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का उसके अपने खुद के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। इससे आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक हम लोग तीन डायरेक्शन में भी देख लेते हैं, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे ये मान लीजिए पी वेक्टर है, वैल्यू इसकी कुछ भी 10 मान लीजिए, और इसका एक्स वाई और जेड के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ये एंगल मान लीजिए 37 दिया गया है, ये एंगल मान लीजिए 60 दिया गया है, और ये भी एंगल मान लीजिए 60 ही है। तो इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स पी कॉस 37, यानी 10 × cos 37 दैट इज़ 4/5 8। ये कंपोनेंट पी वाई इट विल बी पी कॉस 60 10 × cos 60 इज़ हाफ दैट इज़ 5,
और यहाँ भी कॉम्पोनेंट हो जाएगा पी कॉस, यानी पी जेड इक्वल्स पी कॉस 60, दैट इज 10 इंटू हाफ, दैट इज 5। यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट है वो 8, 5 और 5 है। तो ये बात हो गई हमारी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में या किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, वो ये है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, इम्पॉर्टेंस ये है कि इसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग जब यूनिट वेक्टर की स्टडी करेंगे तो यूनिट वेक्टर की स्टडी में इसका एक बहुत अहम रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और एक और जगह प्रैक्टिकली अगर आप इसके इम्पॉर्टेंस को समझना चाहते हैं तो आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि इसका प्रैक्टिकली क्या इम्पॉर्टेंस है। एक छोटी सी जगह पर ज़रा सोचिए कि अगर एक ब्लॉक है, न्यूटन ने हमें कहा है कि जो किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है वो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में मोशन होता है, ठीक है, तो यानी नेट फोर्स के डायरेक्शन में। हम इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, आप रस्सी एक कनेक्ट करके उस ब्लॉक को खींच रहे हैं इस तरीके से, और आप देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी मोशन का डायरेक्शन ये है। अब थोड़ी देर के लिए ये बात आ सकती है कि भाई मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में तो फोर्स ही मौजूद नहीं है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास, अगर आपके पास वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका है या वेक्टर के रिजोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप देखिए कि इस वेक्टर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, वेक्टर का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा फोर्स का इस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एक वेक्टर जो है वो दो पार्ट में बट गया, यानी अब आप इसको हटा सकते हैं, ये अब एब्सेंट है, नहीं है। जैसे अगर एक 10 kg का मास है तो इसके बदले आप ये ले सकते हैं 3 kg और 7 kg, जो काम ये 10 kg से होगा वही ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भी क्या किया कि इस F के बदले, इस 10 kg के बदले हमने दो मास ले लिया 3 kg का और 7 kg का, F के बदले इसको हटा करके हमने दो फोर्स रख लिया F cos थीटा और F sin थीटा। अब आप देखिए जो F cos थीटा है ये अब आपको बताएगा कि इस डायरेक्शन में मोशन क्यों हो रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि चूंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है F cos थीटा, इसलिए ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब F sin थीटा क्या कर रहा है, तो F sin थीटा थोड़ा सा उस ब्लॉक के वेट को बैलेंस करने में मदद करता है, थोड़ी वो हल्की हो जाती है चूँकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर अगर हमें रिजोल्यूशन का कंसेप्ट पता है, जैसे आपको लग रहा हो क्यों हम वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको दिया कि इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वेक्टर, ये फोर्स किस तरह से इस ब्लॉक को मूव करा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, उसको हम लोग फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। और ये हमारी बात हो गई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है।